Hi guys, welcome to my new vlog. Welcome to my first vlog. So guys, मेरा नाम है भावेश और गाइज मैं एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हूँ और वीडियोग्राफर हूँ. मैं वेडिंग रिलेटेड और जितने भी इवेंट रिलेटेड काम होते हैं उनमें फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करता हूँ. गाइज सो आज ये ब्लॉग बनाने का मोटिव ये है कि आज मैं आपको अपना होल डे, आज दिन में मैं कितने काम करने वाला हूँ वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा. और गाइज एक छोटा सा फन है इस दिन के लास्ट में, यानी शाम को एक हमारी प्यारी सी मॉडल आने वाली है. उस प्यारी सी मॉडल का आज हम शूट करने वाले हैं. और गाइज आपको जो आप लोगों को जैसा पता है कि नवरात्रि का सीजन चल रहा है और नवरात्रि में जो लड़कियां गरबा वाली ड्रेस पहनती है, चनिया चोली पहनती है, उसी ड्रेसअप में आज हम उस प्यारी सी लड़की का शूट करने वाले हैं. तो गाइज उस शूट को हम करेंगे, उसका पूरा ब्लॉग बनाएंगे. ठीक है, कैसे पोजेस होते हैं, क्या कैमरा सेटिंग्स होती है, कैसे क्लिक करते हैं, उसके बाद में जो हमारे पास डेटा हैगा हम उसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद पोस्ट करेंगे और ये पूरा प्रोसेस होगा, पूरा होल डे का प्रोसेस होगा, मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ. तो गाइज चलो अभी थोड़े से काम है मुझे, वो काम निपटा के आता हूँ, उसके बाद आपको वापस आके इसी ब्लॉग में मिलता हूँ. बाय. हे गाइस, मैं वापस आ गया. और गाइस अभी जो भी मेरा काम था मैंने निपटा लिया है, सारा काम हो गया है. सो गाइस अभी थोड़ा सा कुछ प्रोफेशनल काम की तरफ अपन जा रहे हैं. काफ़ी टाइम हो गया है मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो डाले हुए, तो अभी अपन प्रोसेस देखने वाले हैं कि मैं अपनी फ़ोटोज़ को कैसे एडिट करता हूँ. सो काइंड ऑफ छोटा सा एक टाइम लैप्स डालूंगा मैं अपनी फ़ोटो का, पूरा एडिटिंग का, तो आप लोग देखना. ठीक है, तो चलो देखते हैं. सो गाइज अभी हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं, ये वाली. तो मैं चलिए इसे जल्दी से, ये रॉ फाइल है. तो गाइज अगर आप लोग कभी भी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, अगर आपके पास कैमरा है, DSLR है, तो ज़रूर से आप कोशिश करें कि आप इसको रॉ फाइल में क्लिक करें, ताकि क्या होगा आप बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में इसकी हाईलाइट और शेडोज़ को ईजिली रिकवर कर सकते हैं और कलर ग्रेडिंग में भी काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी. तो चलो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ. ये हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया, ये मेरी फ़ोटो आ गई है. चलो फिर आगे की एडिटिंग का आप लोग टाइम लैप्स ज़रूर देखना. सो गाइज हमारी जो भी एडिटिंग थी वो हमने कंप्लीट कर ली है. इस फोटो में इतना ज़्यादा काम नहीं था तो इसलिए एडिटिंग जल्दी हो गई. और आगे फ्यूचर में जब भी मैं एडिटिंग के ब्लॉग बनाऊंगा और ऐसे ही फोटोग्राफी के ब्लॉग बनाऊंगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग वीडियो देखना फ्यूचर में आने वाली. और गाइज ऐसा है कि मेरा काम हो चुका है, मैं फ्री हो चुका हूँ. सो गाइज अब मैं थोड़ी देर लेने वाला हूँ रेस्ट, खाना वाना खाऊंगा और थोड़ी देर रेस्ट करूंगा. उसके बाद में जो शाम को शूट होने वाला है लड़की का, तो हम वहां पर चलेंगे. ओके गाइस, तो चलो ठीक है, मिलते हैं शाम वाली टाइम पर, शाम को
शूट के लिए लोकेशन पर, बाय। हे गाइस, सो गाइस मैंने रेस्ट कर लिया है, मैं अच्छी तरह रेडी हो चुका हूँ, टी शर्ट जीन्स एंड शूज़। सो गाइस अब टाइम है शूट पर जाने का, हमारी जो मॉडल है वो आने ही वाली है, अभी हम लोकेशन पर जा रहे हैं। सो हमारा गियर भी रेडी है, ये रहा हमारा कैमरा बैग और ये ट्राइपॉड। सो गाइस हम भी रेडी है, चलो जाते हैं, शूट करते हैं और मज़े करते हैं। ये देखो गाइस, लाइक मतलब इतना शानदार मौसम हो रहा है, इतना ही शानदार मौसम हो रहा है। हियर ही इज, ये आ गए हैं, इसका नाम है विशाल। अभी गाइस चलते हैं, शूट कंटिन्यू करेंगे, बाइक रेडी है। सो गाइस अभी गाड़ी विशाल चला रहा है और पहले गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे करना क्या है। चलो, चोमू से गाड़ी नहीं चल रही है, ठीक से चलाइयो। चलो गाइस, सो गाइस अब हम आ गए हैं महंगाई के जमाने में पेट्रोल भरवाने के लिए। चलो चलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, भरवाना तो पड़ेगा ही, पेट्रोल के भाव देखो गाइस, ये देखो 108 चल रहा है। चलो भरवाते हैं गाइस, अब पेट्रोल भर रहे हैं और फटाफट जाना है शूट पे, लेट हो गए हैं थोड़ा सा। पर एक मंदिर भी है और मंदिर के जस्ट सामने की तरफ है सुभाष उद्यान का सेकंड गेट, वो मंदिर है। चलो अब हम चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी हम अंदर जा रहे हैं और ये आ गए, ये आ रहे हैं अंदर। सो गाइस अभी हम आ गए हैं लोकेशन पर, लोकेशन ये रही पीछे, बहुत बड़ी है। और गाइस इस लोकेशन का नाम है सुभाष उद्यान और हमारे ब्यावर में यहाँ पर इस लोकेशन को बोलते हैं कंपनी बाग। अगर आप लोग भी कभी यहाँ पर आते हैं और अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो किसी को भी पूछ लेना कंपनी बाग कहाँ पर है, तो आप लोग ईजीली यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर पूरा गार्डन है, मतलब उद्यान है जैसा मैंने बताया आपको। सो गाइज अभी हम चलते हैं, हमारी मॉडल आने वाली है, थोड़ा हम वेट करेंगे और उसके बाद में जैसे ही शूट कंटिन्यू होगा तो बाकी सारी डिटेल मैं आपको आगे वाली वीडियो में दूंगा। सो गाइज ये है पूरा सुभाष उद्यान और ये बहुत बड़ा है गाइज, लाइक जैसे अपन यहाँ पर आ गए तो यहाँ से सीधा वहाँ तक है, बहुत बड़ा। और अगर यहाँ मुड़ते हैं तो यहाँ से भी ऊपर है। और गाइज एक चीज़ और है जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। सो गाइस जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि एक चीज और दिखानी है आपको, मतलब तो आओ काफी अच्छी है, दिखाते हैं आपको। चलो देखो अच्छी अच्छी तो अच्छी अच्छी तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, बट हाँ ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए तो ठीक है। ये देखो गाइस अभी हमारे यहाँ का कंपनी का तालाब है, उसको तालाब कहते हैं। तो गाइस ऐसा है कि अगर आप लोग ब्यावर आए और अगर आपको सुसाइड पॉइंट पर जाना है, ऐसी जगह जहां आपको मरना है और कोई बचाने वाला चाहिए ही नहीं बिल्कुल, यहां पे परमिनेंस अलाउ है। हाँ तो ये कह रहा है कि यहां पर आप लोग चाहे तो सुसाइड कर सकते हैं, यहां पे फुल छूट है आप लोगों को। यहाँ गाइस इतनी सारी जगह है, जहाँ डूबना है जाओ, जहाँ डूबना है, जहाँ जाना है वहाँ जाके मरो, लेकिन फिलहाल ऐसा अपना मूड नहीं है। सो गाइज
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लाउडी क्लाउड्स हो रहे हैं और थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, थोड़े क्लाउड हो रहे हैं। सो गाइज ऐसा है कि अगर आप लोगों के पास भी DSLR है और आप लोग भी फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं तो गाइज मेक श्योर, अगर ऐसा मौसम हो रहा है जहाँ पर क्लाउड हो रहे हैं तो गाइज वन ऑफ द बेस्ट मौसम मैं कहना चाहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट लाइटिंग होती है इस मौसम में। मतलब अगर आपको बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ चाहिए, बहुत ही मूडी फ़ोटोज़ चाहिए, अगर आप लोग अच्छी एडिटिंग करना जानते हैं तो मुझे पता है कि आप लोग आराम से मूडी एडिटिंग कर लेंगे। और अगर ऐसा मौसम हो रहा है गाइज तो शूट कभी कैंसिल मत करना, ऐसे ही मौसम में हमेशा शूट करने की ट्राई करना गाइज, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटोज़ आती है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटो आती है। तो गाइज अभी थोड़ी देर बाद में इसी मौसम के अंदर हमारी मॉडल का शूट है, तो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं और फाइनल प्रीव्यू जो भी होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। भाई, हाँ भाई सुन, हाँ यार अपन शूट करने आते तब ऐसा मौसम क्यों रहता है यार? भाई अपनी किस्मत खराब रहती है यार बहुत। गाइस सच में बहुत किस्मत खराब रहती है, ये जो मौसम दिख रहा है आपको क्लाउड हो रहे हैं, हम जब भी आते हैं खुद का हमारे टाइम नहीं रहता, बिल्कुल नहीं मिलता है खुद के शूट के टाइम नहीं मिलता गाइस हमारे को, बहुत ही धूप के अंदर और फिर करनी पड़ती है एडिटिंग। चलो आओ अंदर चलते गाइस। सो किसी को बताना मत, हमारी मॉडल आई नहीं है, हमारी मॉडल हो गई लेट। ये रहा विशाल, हमने सोचा है, और ये रहे झूले, थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। सो गाइस अब हम सोच रहे हैं थोड़ी सी मस्ती हो जाए, तो टूट पड़ो, हम शीशो पर हैं, सो ये थोड़ा सा फन हो जाए अभी वो आई। तो सर गाइस हम कर रहे हैं थोड़ी सी बकेतियाँ और जब तक मॉडल आती है तब तक ऐसे ऐसे मजे करने वाले हम। भाई ये देखो कैसा पागल है, बच्चे को उतार रहा है अरे यार उसको खाने दे यार भाई, ये कौन सी बात है। गाइस देखो इसने छोटे से बच्चे को उतार दिया है, भगवान इसे कभी माफ नहीं करेगा। और ये थोड़ी सी मस्ती करने पे लगा है। यस यार तू आ जा, अगर आप लोग आना चाहते हैं जरूर आना। गाइस किसी को बताना मत, मॉडल आ गई है लेकिन थोड़ा सा फन होगा। बाबू बाबू जल्दी हट, वो आ जाएगी, मैं खा लेता हूँ थोड़ा सा। ये यस रियलिटी में बहुत काफी मजा आता है यार, यहाँ पे तो फ्री में खाने को मिलता है, तू तो रोज आता होगा यहाँ पे। इसको भी बताओ, इसको भी फेमस करो व्लॉग के अंदर। ए बाबू रोज खाते हो? वाह यार घर ही पास में है, घर पास में इसलिए। वाह यार हमारा घर पास में होता हम तो सुबह से शाम यहीं रहे दिन भर। सो गाइस थोड़ी सी चोट हो गई है हमारे साथ, धूप आ गई है और मॉडल भी आ गई है, हमारी मॉडल भी आ गई है, तो आओ आपको मॉडल से मिलाते हैं, आ जाओ। सो गाइस ये हमारी मॉडल जिसका आज शूट होने वाला है। तो भैया आप कौन हो? तो गाइस ये अपने भाई के साथ आई है, सो करते हैं अभी शूट। तो गाइस हम थोड़ा सीरियस हो गए हैं अभी, गाइस थोड़ा सा सीरियसली वर्क करना पड़ेगा और मॉडल पीछे आ ही रही है, तो अब देखते हैं कैसा शूट होगा, कैसा होता है। और तो गाइस अभी बहुत हालत ख़राब पड़ी है, मौसम चेंज हो रहा है, हमारा हो रहा है दिमाग तो खराब, कैमरा वगैरह के साथ भी थोड़ा सा छेड़छाड़ी करनी पड़ेगी हमको, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो अभी ये पोज बता रहा है, गाइस पोज रेडी है चुका है, देन भावेश अब क्लिक मारेगा, सो कंटिन्यू। बोल ले तू, बोल ले। सो मॉडल रेडी है एकदम पोज के अंदर, देन भावेश ने क्लिक करी है, अच्छी लेना रे, वाह मॉडल खुश होनी चाहिए। सो गाइस शूट कंटिन्यू है, हमारे मॉडल पोज दे रही है और यहाँ पर कैमरामैन अपने तैयार बैठे हैं, मेरी मॉडल। सो गाइस अभी हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है,
विशाल मॉडल और मॉडल का भाई यहीं पर खड़े हैं। तो चलो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि रिव्यूज़ कैसे होते हैं हमारी फोटोग्राफी के। सो मिस नेहा जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा लगा? सब अच्छा लगा। अच्छा था। कोई प्रॉब्लम? कोई कंफर्टेबिलिटी ऐसा हुआ कुछ कि कंफर्टेबल ना हो ऐसा कुछ? सब अच्छा था। और भाई तुझे कैसा लगा, कहाँ गया वो? अच्छा लगा। कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ लगा कि यार हमने कोई बदतमीजी करी या फिर कोई नेचर? एक नंबर राइट। ठीक है नेहा, तो बस गाइस अभी कंप्लीट हो चुका है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि देन पिक्चर्स के लिए। हाँ, तो गाइस अभी क्या करना है आप लोगों को, जैसे भी व्लॉग आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। ठीक है, तो अभी हमारी मॉडल को हम आज्ञा दे रहे हैं, आप जाइए। ठीक है, और इनकी आईडी हम मेंशन कर देंगे तो ज़रूर से इनको जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल अगर होगा तो हम ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलो गाइस बाय। नेहा बाय बोल दे। हाँ बाय। ओके गाइस बाय। Hey!